नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में यूपीआई आईडी के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार से दबोच, धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया। बीते 30 जुलाई को पिथौरागढ़ पुलिस को जीवन भट्ट निवासी जूलाघाट के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा यूपीआई आईडी के माध्यम से 1 लाख की ठगी करने की शिकायत दी गई। इस मामले में थाना जूलाघाट में भादवी धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से शिव साहनी पुत्र कामेश्वर साहनी निवासी गोपालपुर थाना मोतिहारी टाउन पूरी चंपारण बिहार को हिरासत में लेकर 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया और निर्धारित समय पर न्यायालय और पुलिस के समक्ष पेश होने की हिदायत दी। पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय के पुरानी बाजार स्थित प्रसिद्ध नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जारी है। कथा श्रवण को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ जुट रही है। शनिवार आज कथाभ्यास पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री द्वारा कथावाचन के दौरान कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग के बारे में सुनाया गया। भागवत कथा के दौरान वचन कीर्तन से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पंडित विनोद पांडे ने बताया कि कल यानी रविवार को कथा के पारायण अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से भागवत कथा श्रवण व भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाने को कहा है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक और प्रवर सहायक के स्थानांतरण की मांग को लेकर आज शनिवार को नगर व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश थानक की अगुवाई में व्यापारी राजनैतिक व सामाजिक संगठन टीम एक कोशिश केमिस्ट एसोसिएशन प्रधान संगठन द्वारा जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर शीघ्र दोनों कर्मियों के स्थानांतरण की मांग की गई। इस मांग को लेकर व्यापारियों ने अपने पूरे प्रतिष्ठान बंद रखे। आक्रोशित हुए लोगों ने जुलूस की शक्ल में सीएससी का घेराव किया और उग्र प्रदर्शन कर शीघ्र मांग पूरी की जाने की बात कही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएससी में तैनात डॉक्टर नसीमा बानो और प्रवर सहायक हरी सुप्रेती का एक सप्ताह के भीतर तबादला न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के उपरांत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण बुरा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में विगत 3 वर्षों से कई प्रकार की अनियमितताएं चल रही हैं, जो हमारे पूर्व चिकित्सा प्रभारी श्री नसीमा बानो जी, जिनके खिलाफ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों ने हैं कई एक बार जिला चिकित्सा अधिकारी को लिखित पत्र देने के बावजूद भी ये द्वारा जो लिखित पत्र सीएमओ साहब को पहले भेजे थे, हमारे व्यापार संघ से भी मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा था, तो शासन प्रशासन ने इनके स्थानांतरण के विषय में सोचा ही नहीं। और सीएमओ साहब ने यहाँ पर आके कई एक बार मीटिंगें भी ले ली हैं, फिर भी उन्होंने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो आज हमारे व्यापार संघ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और इसीलिए अब इसमें बाजार बंद करवाया है। अगर आज जो इनको हमने ज्ञापन दिया है, 7 दिन की जो इनको मोहलत दी है, अगर ये 7 दिन के भीतर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का और ऐसे कम अनुभवी डॉक्टरों का यहाँ से स्थानांतरण नहीं करते हैं, तो व्यापार संघ जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और आंदोलन को और उग्र रूप देगा। एक नव दंपत्ति के आपस में हुए विवाद के कारण चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि पति नव विवाहिता को छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया। मिली जानकारी के अनुसार नव दंपत्ति नैनीताल हनीमून पर आए थे और कई पर्यटक स्थलों को घूमने के बाद अपने कमरे में लौट रहे थे। इस दौरान अचानक किसी बात को लेकर आपस में दोनों का विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पति अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर चले गया। पति का पता न चल पाने पर पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने नवविवाहिता से उसके घर के बारे में जानकारी ली और उसे भिजवाया गया। मुख्य बाजार में हुए पति पत्नी के विवाद के दौरान आसपास का भी भीड़ जुट गई और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। पिथौरागढ़ में एक नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग किशोरी ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता द्वारा बीते वर्ष 18 साल से कम उम्र में उसकी शादी रविंद्र सैला निवासी देवल गांव धारचूला हाल रही के साथ करा दी, जिस पर उसके पिता व रविंद्र सैला पर बाल विवाह का मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया था। बताया कि रविंद्र सैराल बीते 4 माह पहले जमानत पर बाहर आया था, जिसके द्वारा नाबालिग को जरूरी सामान दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली में आईपीसी की धारा 376 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंचल शर्मा के नेतृत्व में विवेचक
उप निरीक्षक आरती व पुलिस टीम द्वारा आज आरोपी रविंद्र सेलाल को धमौड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। बालिका का पिता वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। पुलिस टीम में कांस्टेबल पंकज पंगरिया और ध्रुव सिंह शामिल थे। जंगल में जानवरों के लिए घास काटने के दौरान खाई में गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत से क्षेत्र में शोक व्याप्त है और परिजन सदमे में हैं। मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जनपद के लेटी गांव निवासी बसंती देवी गांव की महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थी। इस दौरान महिला का पैर फिसलने से वह असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना साथ में गई महिलाओं ने परिजनों और ग्रामीणों को दी। सूचना पर परिजन और ग्रामीण स्थल पर पहुंचे और खाई से गंभीर घायल हुई महिला को निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतका की एक 7 साल की बिटिया और एक 3 साल का बेटा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।